अथी जैसे मरा कि तीन प्रतिशत परिवार ले ले तीन प्रतिशत या तक उठाया है नरक का परिवार हो जा रहा था भी भाई ऐसा तक उठा मार लगा तीन प्रतिशत या तक उठाया तीन प्रतिशत समझ गया ना रिक्वेस्ट नहीं कुछ नहीं चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन के नियमों का पालन लोग करें इसलिए पुलिस को सड़कों पर उतारा गया है। लेकिन पुलिस इतनी मनमानी क्यों कर रही है, कुछ लोगों के जान पर आफत तक बना रही है। रोकने का एक तरीका होता है, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस का जिम्मा जो है काफ़ी बड़ा है, उन्हें सड़कों पर उतर के लॉकडाउन के नियमों का पालन कराना है लोगों को। हाँ, सख्ती बरतनी है लेकिन ऐसी भी लापरवाही नहीं कर देनी है खुद की ओर से कि अगले आदमी की जान चली जाए। हम ऐसा क्यों करें, तस्वीरें देखिए। तस्वीरें जो निकल के आ रही हैं वो पटना सिटी की मालसलामी थाना क्षेत्र की है, जहां पर मालसलामी थाना बाज़ार के पास से जब एक ऑटो चली आ रही थी जिसमें बताया जा रहा है कि परिजन बैठे हुए थे जो शादी ब्याह से लौट रहे थे, नालंदा से वो लौट रहे थे। उन पर धनाधन लाठियाँ चलानी शुरू कर दी बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। और देखना चाहिए था ऑटो के भीतर क्या बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, बिना मतलब का लाठियां चलाना जो शुरू किया पुलिस महकमे ने, इसका परिणाम यह रहा कि ऑटो जो है पूरी तरीके से अनियंत्रित हो गई। और अनियंत्रित होने के बाद तीन बार उस ऑटो ने पलटी मार दी। समझ सकते हैं आप हादसा कितना बड़ा हुआ है। और महिलाएँ जो उसके अंदर बैठी हुई थी वो काफ़ी ही ज़ख्मी हुई हैं, काफ़ी ही चोटिल हुई हैं। ऑटो ड्राइवर जो थे उनका भी साफ साफ कहा था कि पुलिस को रोकने का एक तरीका होता है, हाथ देकर रोका जाता है, लेकिन बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे लाठी से मारना शुरू कर दिया, जिस कारण से ऑटो चालक की हाथ पर चोट लग गई और जिस कारण से ऑटो अनियंत्रित होने के कारण ऑटो पलट गई। सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस की कहीं ना कहीं जो ये मनमानी है, कहीं ना कहीं जो ये बेरुखी है, ये क्या आम लोगों की जान ले लेगी। वहाँ पर जो महिलाएं खड़ी थी वो क्या कुछ कह रही थी जरा सुनिए। मेरा देखिए सब परिवार मिलके हो रहे थे शादी से, टेम्पू पर ऐसा मारा अथी से बोलता है कहना है ना लाठी से ऐसा मारा कि तीन प्रतिशत परिवार ले ले तीन प्रतिशत या तक उठाया है तीन प्रतिशत मेरा मसाना का चोट पूरा ही हाथ फट गया है, मेरा कमर में चोट है, देखिए मेरा खेवना का भी सरन सब फूट गया है, यहाँ पर भी फूटा है, छह लड़कन है उसका भी लेकर है, मेरा लड़कन सब का चोट है, सब चोट है, सब का लड़कन का चोट है, ये सब बोल रहा है कि कुछ नहीं कौन पुलिस मारा था। पुलिस मारा था, हाँ पुलिस मारा था। घायल भी है कोई? हाँ घायल है, मेरा मर्दाना घायल है, हम भी घायल है, मेरा देखिए ये चोट है, खेवना में चोट है, कमर में चोट लगल है, मेरा लाइकन के सब पे चोट है। देखिए कहाँ पर है सब? कहाँ से आ रहे थे? नालंदा सब परिवार मिल के, सारा परिवार मिल के, अभी मेरा घर उजाड़ जाता, मेरा काम न था ऐसा टेम्पू का काम न था, मेरा सारा परिवार उजाड़ जाता, अभी ऐसे कर रहे अभी देखिए भाई ऐसा टेम्पू पर मार लगा तीन पल कन्या टेम्पू खाया तीन पल कन्या तीन पल कन्या इसे टेम्पू खाया है, मेरा सारा परिवार उजाड़ जाता। आप पुलिस वाले हो कर के और क्यों 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 बोल रहे हैं हम आपको? आप हमको क्यों बोल रहे हैं बताइए? नहीं आप हमको झाड़ रहे हैं, क्यों झाड़ रहे हैं आप और क्यों झाड़ रहे हैं आप हमको? क्यों झाड़ रहे हैं आप हमको और क्यों झाड़ रहे हैं? हमको किया आपको? अरे आपको कुछ किया है हमने? आए हम मीडिया वाले हैं, हम खबर बनाएंगे नहीं, आप हमको खबर बना रोकिएगा। आए एक तो पुलिस वाले होकर के सब टेम्पो बुला के उलट दिए हैं और उल्टे हमको बोल रहे हैं आप। अच्छा ये शिकायत जाएगा आगे तक, अब आगे तक जाएगा आप लोग का करतूत, समझ गए ना? आपने हम पर हाथ छोड़ा है, आपने हम पे हाथ छोड़ा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अब आपको, समझ गए ना? रिक्वेस्ट नहीं कुछ नहीं चलेगा। तो आपने वीडियो को देखा है कैसे महिलाएं कह रही हैं, जो छोटे छोटे बच्चे उस ऑटो पे सवार थे उन्हें भी काफ़ी चोट आई है। और इसका जिम्मेदार कौन है? आपको लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए सड़कों पर रखा गया है या लोगों को बिना मतलब पीटने के लिए रखा गया है? उसकी ऑटो को पलटवा दीजिएगा, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, फिर जवाबदेही किसकी होगी? सरकार की ओर से गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं लोग तो उसका पालन कर ही रहे हैं। शुरुआती दिन में हमने भी दिखाया था कि कैसे पटना के DM हो या सीनियर SP हो खुद सड़कों पर उतर के लॉकडाउन के नियमों का पालन करवा रहे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ कड़ाई करनी चाहिए वहाँ कड़ाई करनी ही चाहिए, पुलिस का एक काम भी है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, उसे उतार कर आप उसे दंडित कर सकते हैं, उसे सजा दे सकते हैं यदि उसने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो। लेकिन चलती हुई गाड़ी पर अगर आप डंडे बरसाइएगा तो फिर हालात ऐसे ही होंगे।
आप ऑटो की तस्वीर देख रहे होंगे कैसे उसके पूरे शीशे जो हैं वो झड़ चुके हैं, शीशे टूट चुके हैं, महिलाएं हैं वो बच्चे हों जो उस ऑटो पे सवार थी वो पूरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। अगर जो ये हादसा हुआ है ये काफ़ी बड़ा रूप ले लेता, महिलाओं की या फिर बच्चों की मौत हो जाती, जिम्मेदार कौन होता? बिहार पुलिस और कौन होता? तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस का जो रवैया है सड़कों पर जो दिख रहा है, आप समझ सकते हैं, इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि हालात क्या हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमे को जिम्मेदारी दी गई है लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का, कुछ लोग उसका जो पालन है, अनुपालन है, वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह बन रही है सड़कों पर आए दिन हादसे हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को जब वो गाड़ी चला रहा हो उस वक्त ही उसे दंडित करने लगना, ऐसे में उसके जान पर आफत भी बनाती है। बहरहाल आप लाइव सी देते रहें, आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा है लोगों का जो आक्रोश था वो पुलिस महकमे के खिलाफ था, और वो पुलिस जो समाज की रक्षक बनती है अब इस लापरवाही के कारण ये कहा जा सकता है कि समाज का हित कैसे होगा। पुलिस जिस तरीके से रवैया कर रही है, रवैया अपना रही है, उससे लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव सी फॉलो करें। धन्यवाद। समझ गए ना, रिक्वेस्ट नहीं, कुछ नहीं चलेगा।